हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट अवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन, जो फूड हम द फूड मटेरियल वी ईट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज आफ्टर डाइजेशन। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लड, और जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फ्लो हो जाता है। वेन ग्लूकोज कम्बाइन विथ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कम्बाइन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज़ को करते हैं। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। बेसिकली रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर लाइफ एक्टिविटीज़। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम एनर्जी को रिलीज करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करके, और अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन टू स्टेजेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो टू स्टेजेस में कंप्लीट होता है। वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, जो कि इन्वॉल्व करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को ब्रीद आउट करते हैं। इसको हम इन्हेलेशन बोलते हैं, व्हाइल ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ब्रीद इन इनको इन्हेलेशन बोलते हैं, ब्रीदिंग आउट को एक्सहेलेशन बोलते हैं। इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, द स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद इन द सेल। इट इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन, इट कॉसेज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। ये क्या ऐसा स्टेज है रेस्पिरेशन का, ये सेल के अंदर होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी को रिलीज करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन से, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और 38 ATP रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट सेलुलर रेस्पिरेशन से द ऑक्सीजन विच इज हेल्प फॉर द नीड फॉर रिएक्शन कम फ्रॉम इन्हेलेशन। द ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर द रिएक्शन, जो ऑक्सीजन इस रिएक्शन के लिए नीड कर होता है कहाँ से मिलता है, वो हमको इन्हेलेशन घन से, जब हम इन्हेल करते हैं एयर को, राइट। दिस रिएक्शन शो द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन क्या शो कर रहे हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर 38 ATP एनर्जी को रिलीज कर रहा है। द रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ATP, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स टू ATP मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जहाँ पर फूड मटेरियल्स ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ATP मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। नाउ साइट ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस पार्शियली इन द साइटोप्लाज्म एंड पार्शियली इन द मिटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो आधा साइटोप्लाज्म में होता है और आधा मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो सेल के अंदर होते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑक्सीजन की, या प्रेजेंट होने में या एब्सेंट होने में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो टू टाइप का रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। दैट इज़ वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज़ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल रिस्पायर थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। ज़्यादातर जो हायर एनिमल्स हैं वो रिस्पायर करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक यहाँ पर क्या है, इस टाइप का जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पॉसिबल है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और ये क्या क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ATP मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज हुई। इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज रिलीज 38 ATP मॉलिक्यूल्स।
एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया फंगाई शो एरोबिक रेस्पिरेशन. बेसिकली दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन शोन बाय अ बैक्टेरियन फंगाई. लोअर ऑर्गेनिजम्स दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, लेकिन किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है. और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने के कारण ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल है. और ये क्या फॉर्मेशन होता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, मतलब जो एटीपी है वो बहुत ज़्यादा कम रिलीज हो रहा है. इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एरोबिक एंड एनोरबिक रेस्पिरेशन. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही होती है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है. यहाँ पर इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है. ये 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. रेस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस थ्रू वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन का, वहाँ वो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है. इट अलाउ द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इन टू अ लंग्स एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द लंग्स. यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं लंग्स से. लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व इन द एक्सचेंजेस ऑफ गैस. जो लंग्स होता है बच्चा हमारी बॉडी में, लंग्स बेसिकली क्या होता है? गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए होता है. मतलब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं. द पैसेज थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक. पैसेज जहाँ से गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व्स वेरियस ऑर्गन. जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. क्या क्या? नोज, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फाइनेक्स, लैनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्लियस, एलोवियर सैक एंड एलोवेली. दिस ऑल आर दी ऑर्गन्स विच कम अंडर द रेस्पिरेटरी ट्रैक. सब फर्स्ट क्या है? सो दिस इज द नेजल, माउथ कैविटी, फाइनेक्स, लैनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी. सो दिस आर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्स. ओके बच्चा, सो फर्स्ट वन इज नेजल एंड नेजल कैविटी. नोज इज द मस्कुलर पार्ट विच इज सिचुएटेड ऑन द फेस अबव द लिप्स. नोज के एक मस्कुलर पार्ट है जो कि लिप्स के ऊपर फेस में होता है. द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल ऑफ द नोज. जो ऑक्सीजन है वो हमारे नोज के थ्रू एंटर करता है. जो नोस्ट्रिल है वो फर्दर नेजल कैविटी के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी इज लाइंड बाय स्मॉल फाइन हेयर एंड अ लेयर ऑफ स्टिकी फ्लूइड. जो नोस्ट्रिल है वो फर्दर नेजल कैविटी के साथ कनेक्ट होता है. या यहाँ पर क्या होता है? इनर लाइनिंग नेजल कैविटी के, यहाँ पर छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं और स्टिकी फ्लूइड होता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं. दे फिल्टर इन द इनहेल एयर. जो इनहेल एयर को ना, वो जो हमारे नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो फिल्टर करके द नोज फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट प्रिवेंट देम फॉर रीचिंग द लंग्स. क्योंकि लंग्स के अंदर जो भी एयर जा रहा है वो पूरा फिल्ट्रेट होके जा रहा है, उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाते. द इनहेल एयर बिकम फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स. ऑल्सो देर इज अ एयर इज कूलर देन अवर बॉडी टेम्परेचर. द मेन फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी इज टू वार्म द एयर एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स. द सेल्स ऑफ स्मेल्स आर लोकेटेड इन द पॉकेट सिचुएटेड हाई अप द नेजल चैम्बर. नेजल कैविटी का बेसिकली रोल क्या होता है? जो भी इनहेल एयर होगा उसको फिल्ट्रेट करेगा. अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल जर्म्स है वो अपने लंग्स तक नहीं जाएंगे. फाइनेक्स द नेजल चैम्बर ओपन ऑन द बैक साइड ऑफ द नोज. जो नेजल चैम्बर है वो नोज के बैक साइड में ओपन होता है. एंड माउथ इन टू अ वाइड कैविटी नोन एज फाइनेक्स. दिस फाइनेक्स रन डाउन टू द थ्रॉट. जो देखो, लुक एट दिस डायग्राम. जो फाइनेक्स है वो थ्रॉट तक जा रहा है. लाइनेक्स क्या होता है बच्चा? द लोअर पोर्शन ऑफ फाइनेक्स लीड टू लाइनेक्स. फाइनेक्स की जस्ट लोअर साइड में होता है लाइनेक्स. इट इज़ ए
कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द विंड पाइप, ये विंड पाइप के स्टार्ट में लोकेट होता है, जहाँ से आपकी विंड पाइप स्टार्ट हो रही है वहाँ स्टार्टिंग में ये लाइनेक्स लोकेट होता है। लाइनेक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं हम, इट हैज़ अ वोकल कॉर्ड, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ये वोकल कॉर्ड है जो कि प्रोड्यूस करता है साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन मेड बाय द एक्सपेल्ड एयर। एक्सपेल्ड एयर से जो भी वाइब्रेशन होती है वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये वोकल कॉर्ड जो ये यहाँ पास होता है लाइनेक्स को हम एक वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ट्रैकिया, द ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज अ विंड पाइप, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, इट इमर्ज फ्रॉम द लाइनेक्स, लाइनेक्स के साथ कनेक्शन होता है, सबसे पहले फाइनेक्स, फाइनेक्स और लाइनेक्स, लाइनेक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप भी है। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग, ये कार्टिलेजिनियस रिंग के साथ मेड अप हुआ है। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो ट्रैकिया है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड ब्रोंकस, ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या होता है, द ब्रोंकी कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डिविजन ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ब्रोंकी। ईच ब्रोंकी एंटर द रिस्पेक्टिव लंग ऑफ इट्स साइड, इन लंग्स द ब्रोंकी ब्रोंकस रिपीटेडली ब्रांच इनटू अ फर्दर स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकुलस। अब जो ये ब्रोंकी है लंग्स के अंदर ये क्या करते हैं, अपने ब्रांचेस को इस तरीके से ब्रांचेस स्प्रेड करता है। द ब्रोंकस फाइनली एंड इन अ स्मॉल एयर सैक कॉल्ड ऑलिवल सैक, जो ये ब्रोंकलियस है वो फाइनली एंड करते हैं एक स्मॉल एयर सैक में जिसको हम एलोवियल सैक्स बोलते हैं। इच एलोवियल सैक हैज़ अ क्लस्टर ऑफ ऑलिवली, द वॉल ऑफ द ऑलिवली आर रिच सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज, जो ऑलिवली वॉल होता है वहाँ पर मतलब पूरा प्रॉपरली रिच सप्लाई होती है ब्लड की विथ ब्लड कैपिलरीज। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एयर एंड ब्लड टेक प्लेस अक्रॉस द वॉल ऑफ द एलोवली, ऑक्सीजन इज फील्ड इन इच ऑलिवली। देखो बच्चा, दिस इज द ऑलिवली एंड द ब्लड कैपिलरी डायग्राम। सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चा, ये ब्रोंकस है, लुक एट दिस, दिस इज द ब्रोंकस, और ब्रोंकस क्या हो रहा है, ये फर्दर अपनी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, किस में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकियल्स में डिवाइड हो रहा है, जो ये ब्रोंकियल्स है फाइनली एंड अप इन स्मॉल सैक कॉल्ड एलोवियल सैक। अब ये क्या हो रहा है, ये कहाँ पर एंड हो रहा है, एलोवेरी सैक में हो रहा है, जो एलोवेरी सैक के साइड साइड में क्या हो रहा है, क्लस्टर्स है, एलोवियल का क्लस्टर बना हुआ है, जो ये एलोवेली की वॉल्स हैं यहाँ पर पूर ब्लड कैपिलरी से जिसकी वजह से सप्लाई हो रहा है, रिचली सप्लाई विथ ब्लड कैपिलरी से प्रॉपरली सप्लाई हो रही है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एयर और ब्लड वो टेक प्लेस हो रहा है ऑन द वॉल ऑफ एलोवेली, इस वॉल के साइड से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो पूरा फील होता है ईच एलोवेल्स में। आगे समझिए ब्रोंकी का, ये एलोवेली एंड ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है बच्चा। नाउ लंग्स, देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, राइट, पेयर्स होते हैं लंग्स के हमारी बॉडी में। दे आर प्रोटेक्टेड इन साइड द रिब केज एंड आर सपोर्टेड बाय द कर्व्ड मस्कुलर शीट बिलो कॉल्ड डायफ्रेगम, जो ये लंग्स है इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं इन साइड द रिब केज और सपोर्ट करते हैं इसको कर्व्ड मस्कुलर शीट जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम से, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। लंग्स आर स्पॉन्जी बैग लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवर्ड बाय डबल वॉल प्लूनर मेम्ब्रेन, कवर्ड होता है ये वॉल के साथ प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ। द स्पेस बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, बच्चा बेसिकली क्या हो रहा है, लंग्स में क्या है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड है, जो स्पेस है टू प्लूरल मेम्ब्रेन की वो क्या है, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। इट हेल्प टू कीप द लंग्स मॉइस्ट, जो ये फ्लूइड है ये लंग्स को मॉइस्ट रखता है और फैसिलिट ईजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, गैसेज का डिफ्यूजन पॉसिबल हो जाता है, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं आपस। द प्लूरल फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ लंग्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पुश एंड प्रेशर, जो ये प्लूरल फ्लूइड होता है लंग्स में ये क्या है, लुब्रिकेशन का काम करता है कि जहाँ पर जो लंग्स का फ्री मूवमेंट हो सके और एक्सटर्नल पुश और प्रेशर से उसको प्रिवेंट कर सके। द लंग्स कंटेन मिलियन ऑफ वेरी मिनट एलोवेली, लंग्स क्या करता है, मिलियंस ऑफ वेरी मिनट एलोवेली क्या करता है, कंटेन करता है,
अ नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरी सराउंडेड द वॉल ऑफ ईच ऑलिविल्स. ऑलिविल्स के सराउंडिंग्स में नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं. आपको दिख रहा है ये ऑलिविल है. ऐसे ऑलिविली मिलियंस ऑफ एलिविली लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके साइड में क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं. नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडेड बाई द वॉल ऑफ ईच ऑव्यूल्स. द वॉल ऑफ ऑलिविल्स आर एक्सट्रीमली थिन. जो वॉल होता है एलिविल्स के वो बहुत ज़्यादा थिन और मॉइस्ट होता है, जो कि एक्सचेंज करता है गैशियस को ईजली. ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. द इनहेल एयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड पुअर इन कार्बन डाइऑक्साइड. जो इनहेल एयर करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है. व्हेन द एयर रीचेज द ऑलिविल इन लंग्स, जब एयर ऑलिविल के पास पहुँचता है लंग्स के अंदर जो है, द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज डिफ्यूज इन टू द ब्लड कैपिलरीज. जो ऑक्सीजन होता है फ्रॉम द एयर, एयर से जो हमको ऑक्सीजन मिला है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज मतलब मिक्स हो जाता है. द डिफ्यूज ऑक्सीजन कम्बाइन, फिर वो जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कम्बाइंड हो जाता है रेड ब्लड सेल के अंदर, एंड जो क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. सबसे पहले क्या हुआ, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो उसने क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सिंस द ब्लड इज एनरिच्ड विद द ऑक्सीजन, जो ब्लड में फुल्ली ऑक्सीजन है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन. ऑक्सी होमोग्लोबिन रीचेस इन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम. उसके बाद जो होमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिक्स होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए, वो क्या करेगा, बॉडी में हर एक सेल के पास जाएगा. किस किस प्रोसेस से, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो ट्रांसफर होगा पूरी बॉडी बॉडी में. फॉलोइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एनरिच ब्लड टू डिफरेंट सेल. जो फॉलोइंग द ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन एनरिच ब्लड, मतलब ब्लड में जो प्रॉपर ऑक्सीजन है जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेकेंड स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस डेट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज कम्प्लीट हो गया, अब क्या हुआ, ब्लड ने ऑक्सीजन लेके ट्रांसफर हो रहे हैं, तो अब ये सेकेंड स्टेज रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, द ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम ऑक्सीडाइज द फूड इन एवरी सेल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो ऑक्सीडाइज ब्लड है, अब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है ब्लड स्ट्रीम फूड को ऑक्सीडाइज करेगा हर एक सेल में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी को फॉर्म करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स में. द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड डिफ्यूजन इनटू ब्लड स्ट्रीम. दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल एंड फॉर्म कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉर्म करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड डिफ्यूजन के बाद ब्लड स्ट्रीम में. ब्लड स्ट्रीम जब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा बच्चा, द कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन को फॉर्म करेगा. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रिच. अब ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है वो लंग्स के पास वापस जाएगा, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगा नोज के थ्रू. आगे ही बात समझ, बेसिकली बच्चा एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इनहेल कर रहे हैं एयर को, इनहेल एयर क्या हो रहा है वो प्रॉपरली, वहाँ पर उसके ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, वो लंग्स में एलोविल के पास जा रहे हैं, वहाँ पर जो एलोविल के पास डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, फिर भी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा है रेड ब्लड सेल में और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है. अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है वो क्या करेगा, बॉडी के हर एक सेल के पास जाएगा. कौन से प्रोसेस से, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो पूरी बॉडी में जाएगा. फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एनरिच ब्लड टू डिफरेंट सेल्स. यहाँ पर फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाता है. सेकेंड स्टेज कहाँ से शुरू होता है बच्चा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन. यहाँ पर सब क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, फूड को ऑक्सीडाइज कर रहा है. जब फूड को एक एक सेल के अंदर फूड को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड के सेल के साथ कंबाइन हो जाएगा और वो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना देगा. अब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ज़्यादा है, वो फिर से ऑलिविल लंग्स में जाएगा
और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एक्सहेल होगा नोज के थ्रू. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो बच्चा दिस इज द बार ग्राफ कंपोजिशन ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल. और इनहेल एयर का हम कंपोजिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बार ग्राफ बना हुआ है. ये क्लियरली बता रहा है कि एक्सहेल एयर हैज़ मोर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैन द इनहेल एयर. एक्सहेल एयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है दैन द इनहेल एयर. लुक एट दिस बार ग्राफ. नाइट्रोजन सेम है, ऑक्सीजन 17, 21. कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रेड है वो क्या है, एक्सहेल एयर. एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, इनहेल एयर में 0.03 है. ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल एंड इनहेल्ड एयर. ओके बच्चा, ओके. ब्रीदिंग वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.